વેટરન્સ ઇન્ડિયા એ ભૂમિસેના, નૌસેના અને વાયુસેનાના સેવાનિવૃત્ત સૈનિકોનું એક સંગઠન છે. આજે 26 જુલાઈ એટલે કારગિલ વિજય દિવસ, જેને સમગ્ર દેશમાં મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે વેટરન્સ ઇન્ડિયાના સેવાનિવૃત્ત અધિકારીઓ અને સૈનિકો દ્વારા કારગિલ વિજય દિવસ પર એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીના કાર્યક્રમમાં પૂર્વ સેનાના અધિકારીઓ, સૈનિકો ઉપરાંત ગાયત્રી પરિવાર તથા વિવિધ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ સહિત શહેરીજનો મોટી સંખ્યામાં આ રેલીમાં જોડાયા હતા. આજના કારગિલ વિજય દિવસ રેલીના કાર્યક્રમની શરૂઆત વડોદરાના શહીદ વીર આરિફ પઠાણને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને કરવામાં આવી હતી. આ રેલી મહાત્મા ગાંધીનગર ગ્રુપ ખાતેથી રાવપુરા ટાવર થઈ કોઠી 4 રસ્તાથી પરત ગાંધીનગર ગ્રુપ ખાતે સંપન્ન થઈ હતી. आज क्या है और कहाँ पर आप हैं? आज कारगिल दिवस है, उसके लिए बहुत खुशी है और मेरे बच्चे की भी, जिन लोगों ने, सब लोगों ने पूरे गुजरात में श्रद्धांजलि रखी है, इसके लिए बहुत गर्व की बात है. एक्सक्यूज मी, क्या नाम है? जस्ट लिसन टू मी, गिव मी 2 मिनट्स. सफी आलम खान. बस, थैंक यू. 99 के दिन शुरू हुई कारगिल की लड़ाई, आज के दिन खत्म हुई. हमारे कई शहीद हुए, मगर फिर भी इस युद्ध में हमने बहुत तगड़ी कामयाबी हासिल की. इसमें पूरा का पूरा देश, हर कोई, बूढ़ा बच्चा, जवान, सिविलियन, पॉलिटिशियन से लेकर के ब्यूरोक्रेट, पुलिस सर्विस, सबके सब शामिल थे. सबको सेना के साथ पूरा सपोर्ट था और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो देश जिसके लोग अगर उसकी सेना और उसके मिल के साथ में है, वो कभी हारा नहीं करते, वो हमेशा जीतते हैं. मेरा नाम है कर्नल वी जेड शर्मा, विनोद जेड शर्मा. कारगिल विजय दिवस के जो हमारे
पूरे देश भर में मना रहे हैं। हमारा मुख्य प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था, यहाँ पे हमारे महामहिम रक्षा मंत्री माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि थे और हजारों की संख्या में लोग गए थे। जैसे आज की हम बात करें, आज हमारा प्रोग्राम गुजरात में जैसे दिल्ली हो रहा है, महोदा में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है और इस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से करीब 50 जगह पे आज प्रोग्राम हमारा देश भर में हो रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि इस देश में वेटरन्स इंडिया के माध्यम से, हमारे पूर्व सैनिकों के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की बात हमने बच्चों के सामने इसलिए सौंपने को एक चीज बोल दिया। और ये ऐसा वर्ग होता है जो जाति और धर्म को नहीं मानता है, राष्ट्र को नहीं मानता है, वो अपने तिरंगा झंडा के लिए या तो फहरा करके आता है, नहीं तो तिरंगा पे लपेट के आ जाता है। इसलिए ऐसे वर्ग से हमने लीड कराने की कोशिश किया है और हमारे इस ग्रुप में लगभग 5 लाख फौजी और सिविलियन मिला करके हमारे पास लगभग 18 लाख के आसपास ग्रुप मेंबर है पूरे देश भर में। जहाँ पे डॉक्टर एम बी सिंह चौहान है मेरा नाम, मैं वेटरन्स इंडिया का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल टीम काउंट में। और इसके अलावा हमने एक और काम किया है, स्कूल और कॉलेज से लेकर के देश के हर एक विभाग में हमने वेटरन्स इंडिया को आगे मेंबर बनाए हैं, लोगों को जोड़ा है। यस सर। जय हिंद। मैं मनोज त्रिपाठी वेटरन्स इंडिया का गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा बहुत गर्व की माहौल है कि हमारा शहीद हरीफ पठान का शहादत दिए और उसके आज हम लोग कुछ अर्पण करके उसको श्रद्धांजलि दिए हैं। और हमारा वेटरन्स इंडिया का हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम कारगिल पराक्रम परेड वो आज हमारा आयोजित था, उसके साथ में मिला के हम लोग पहले हम लोग अपने 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 शहीद को श्रद्धांजलि दिए, फिर अपना कार्यक्रम किए, एक रैली निकाले और इस रैली में एक ही हमारा मानना था और धारणा है देश प्रेम और देश राष्ट्र प्रेम कैसे बढ़ाया जाए, लोगों पर कैसे पहुंचाया जाए ताकि हमारे बीच जो भी हमारे भाई दुश्मन है उसको मतलब ख़त्म किया जाए। ये हमारा एक मुद्दा है कि ताकि हम ये मुद्दा हर बड़ौदावासियों को बतलाना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम कैसे किया जा सकता है और किस तरह से जुड़ा जा सकता है मेन लाइन में। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है। हम वेटरन्स इंडिया के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वेटरन्स इंडिया के डॉक्टर महावीर सिंह चौहान जी।